अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, हैंडीकेप्ड सिस्टर्स किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ गरम मसाला की रेसिपी, और ये हर किचन की शान है, इसे तो अपने किचन में होना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्यों ना इसे बनाकर रख लें, तो ये महीनों चलता है और कोई झंझट भी नहीं है इसे बनाने में। तो हमने यहाँ पर बड़ी इलायची ले ली है 30 ग्राम, और ये है जावित्री 20 ग्राम और अजवाइन हमने 10 ग्राम ही ली है क्योंकि ये ज़्यादा नहीं है पड़ती है। और ये हमने फूल लिए हैं 20 ग्राम चक्रफूल, और ये लौंग ले ली है 20 ग्राम, ये ज़्यादा तीखी होती है इसीलिए कम ही ली है। और ये पोस्ता दाना, और ये छोटी इलायची, छोटी हम इलायची भी हमने 30 ग्राम ली है, और ये पिपली हमने 4 ले ली है, पिपली भी ज़्यादा नहीं पड़ती है इसीलिए पिपली को हमने भी कम लिया है। और ये है 50 ग्राम जीरा और 50 ग्राम काली मिर्च, और ये दो हमने जायफल ले लिए हैं, और सौंफ ली है 30 ग्राम और 2 चम्मच धनिया ले लिया है, और ये हमने कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ रख ली हैं इसमें सूखी हुई, और ये हमारी लकड़ी है यानी कि सिनेमिन स्टिक, ये भी हमने 30 ग्राम ले ली है, और तेज़पत्ता हमने ले लिए हैं, लेकिन तेज़पत्ता को इसमें पीसेंगे नहीं क्योंकि इससे जो है मसाला तीखा हो जाता है और अच्छा नहीं बनता है। तो ये कुछ मसाले हैं एक प्लेट के, तो वो मैं पहले पिपली को भून लेती हूँ क्योंकि पिपली जो है इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, और जो मसाले हैं वो जल जाएंगे, इसीलिए मैं पिपली को जो है रोस्ट कर लूँगी थोड़ा सा। और जब पिपली रोस्ट हो जाए तो और सारे मसाले डाल लूँगी और इनको चला लेंगे अच्छे से। और ये जो मसाले हैं बहुत लोग क्या करते हैं कि धूप में रख देते हैं फिर उसके बाद पीसते हैं, इससे क्या होता है कि इसकी जो खुशबुएं होती हैं वो उड़ जाती हैं। और वैसे तो जो मार्केट में हर टाइप का जो गरम मसाला मिल ही जाता है, लेकिन क्या होता है कि जो हम घर में पीसते हैं उसमें खुशबू ज़्यादा अच्छी होती है, और इसमें कोई केमिकल भी नहीं रहता है, और जो मार्केट का होता है उसमें केमिकल बहुत सारे होते हैं, इसीलिए हम घर में आसानी से बना सकते हैं तो क्यों ना घर में ही बना लेते हैं। इसीलिए मैं इसे घर पे ही बनाती हूँ अपने किचन में। तो ये मसाला हमारा रोस्ट हो गया है अच्छे से, तो मैं इसे प्लेट में निकालूंगी, तब तक ये ठंडा हो रहा है, और भी दूसरी प्लेट का भी मसाला डालूंगी। लकड़ी को पहले डालूंगी क्योंकि लकड़ी जो है इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए लकड़ी को पहले ही डाल देती हूँ। और अब मैं काली मिर्च के दाने डाल दूंगी, और ये भी डाल दूंगी, ये डालूंगी नहीं, ये भी इनको मैं खलबत्ते में कूट लूंगी फिर उसके बाद डालूंगी क्योंकि बहुत आसानी से कूट जाते हैं। जब मिक्सी में जार में डालूंगी तो इन्हें मैं कूट लूंगी खलबत्ते में। इन सबको भी अच्छे से भून लूँगी जब तक इसमें से अच्छी खुशबू ना आने लगे, और जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाए तब इन्हें भी मैं उन्हीं उसी प्लेट में निकाल लूँगी। और ये बहुत ही आसान काम है, आप लोग भी इसे बनाकर स्टोर कर सकते हैं, ये कई महीनों तक चलता है, इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी इसे बना लें। इससे क्या होता है कि आपको किचन में खाना बनाने में बहुत ही आसानी हो जाती है, आप जितने टाइम मर्जी हो उतने टाइम अपना बना ले खाना, कोई कुछ भी आए, बिरयानी बना ले कि चिकन कोरमा मटन कोरमा कुछ भी बना ले आप, इस जल्दी से बना सकते हैं अपने घर में। और अब हम जीरा और सौंफ डाल के भून रही हूँ, और जो हमारी गुलाब की पंखुड़ियाँ थी उसे भी रोस्ट कर लूँगी क्योंकि ये बहुत ही जल्दी हो जाता है, इसीलिए मैं इसे बाद में डाल रही हूँ, उसके साथ में डालती तो ये जल जाते हैं इसमें, और ज़्यादा भूनने से इसकी खुशबुएँ जो है ख़त्म हो जाती हैं, इसीलिए मैं हल्का सा ही रोस्ट कर लिया है इसको, और इसे भी प्लेट में डाल लूँगी। और जब ये ठंडा हो जाएगा अच्छे से तभी मैं इसे पीसूँगी थोड़ा थोड़ा करके, अगर आपका जार बड़ा है तो आप एक साथ भी पीस सकते हैं। और अभी मेरा कुछ मसाला रह गया है, यह पोस्ता दाना गैस बंद करने के बाद जितनी जो कढ़ाई है वो गर्म होती ही है उतने में ही ये रोस्ट हो जाएगा अच्छे से, गैस को मैंने बंद कर दिया है।
अगर जलती गैस पर रखेंगे तो ये जल जाएगा, इसीलिए मैंने गैस को बंद कर दिया है और उतनी ही गर्म कढ़ाई में ये आसानी से रोस्ट हो जाएगा। और ये भी अच्छे से रोस्ट हो गया है तो इसे भी मैं प्लेट में उसी निकाल लूँगी। आप ये देखिए मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो हमारे जो वो जायफल हैं इनको मैं खलबत्ते में कूट लूँगी। और ये जब 4-6 पीसेस में हो जाए तब मैं इसमें निकालूँगी। देखो ये हमारे जो वो है जायफल वो कूट लिए हैं हमने, मेरा जार छोटा है इसीलिए मैं इसे 2-3 बार में पीसूंगी। अगर आपका जार बड़ा है तो आप एक ही बार में पीस सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मैंने इसे 2 बार में पीसा है, मेरा 2 बार में आ गया था अच्छे से इसीलिए मैंने 2 बार में पीस लिया है इसको। जार को कर देंगे बंद, फिर इसको अच्छे से पीस लेंगे, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से पीस गया है, आप लोगों को चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए आप इसे 1 kg, अगर आप मटन बना रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच, मतलब पूरा भर के नहीं थोड़ा सा कम ही डाल देंगे तो आपका जो है मटन बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। हमने मटन कोरमा और मटन बिरयानी की रेसिपी की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से चेक कर सकते हैं और आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। बहुत ही आसान तरीके से बताई है और कोई भी बना सकता है, आप एक बार बनाकर ट्राई ज़रूर करें। तो इसी तरह से मैं दूसरा बैच भी मसाले का पीस लूँगी, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि मेरी रेसिपीज आप सबको कैसी लगती हैं। और मैं बहुत ही मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ और आप सबके लिए अच्छे अच्छे पकवान लाती हूँ, आप लोग जो है मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। अगर आप सबको मेरी रेसिपीज पसंद आती हूँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और ये देखिए हमारा दूसरा बैच भी पिसने के लिए रख दिया है और वो भी पिस गया है, तो इसे मैं इसी बाउल में निकाल लेती हूँ। जब ये मसाला ठंडा हो जाए तो मैं इसको एक जो है टाइट कंटेनर में भर के रख दूँगी और ये 2-4-6 महीने चल जाएगा आराम से। और मिलती हूँ ऐसी ही नई रेसिपीज़ के साथ। अस्सलामुअलैकुम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।